कैसर राजा यार, मैंने सोचा था इसके ऊपर करनी नहीं बात, लेकिन ट्विटर पे बड़ी छलांगे बोंगियां बड़ी टिकाट खा के बोंगियां मारता। मैं कहा चलो थोड़ा सा यू नो कभी कभार हमें जवाब देना ही पड़ता है। यही बात आए थे ना, ये लोग बातें क्या करते हैं मगरिब के ऊपर। ठीक है, मगरिब इस परफेक्ट नहीं है, मगरिब में बड़ी बुराइयां हैं। रेसिज्म इन्होंने अभी रिसेंटली खत्म किया, डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी बहुत होता है, ट्रांसजेंडर के साथ जो हेटरेड है और ये बिगेट्री, बड़ी प्रॉब्लम्स है वेस्ट में। लेकिन वो तुमसे फिर भी 100 साल आगे हैं, उनके अगर 10 प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे अंदर 110 प्रॉब्लम है। तो जरा इसकी हरकत देखें, अपना ही गोल कर दीजिए। इतने बेवकूफ हैं, इतने अन्ने हो जाते हैं। स्टोइक पाजी बिल्कुल, वो कहता है कल एक ट्वीट के जवाब में काफी बहन भाइयों ने पेज 3 के बारे में पूछा। हाँ अड्डा तू रस्तु तेरे को पूछे अलग चला जी। अच्छा जी, क्या पूछा जी जनाब से? मौसूफ ने बताया पेज 3 असल में मखसूस बरतानवी अखबारात में एक फीचर होता था जिसमें हर रोज अखबार के तीसरे सफे पर एक औरत की तस्वीर होती थी। ये तस्वीर नाफ से ऊपर के जिस्म की होती थी और मुकम्मल तौर पर ब्रहनम है, यानी इसका सतर जो होता था वो नाफ से लेके गोडे तक होता था, यानी जो नीचे वाला नाफ से गोडे के दरमियान के जो प्राइवेट पार्ट्स है वो कवर होते हैं। नाफ मीन्स बेली बटन। तो ये मेरे जहन में, मैंने कहा है ये तो सतर कहीं और में भी इसी तरह का सतर है। मैं कहा चलो देखते हैं। तो इसने गोल अपना ये कर दिया, इसने कहा 1970 से ये सिलसिला शुरू हुआ, 2012 में इसके खिलाफ मुहिम जो शुरू हुई, यानी 2015 में डेली सन ने इस प्रिंट विजन से खत्म किया, इसको खात्मा किया, फिर 2019 में बाकी अखबारात ने भी खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब राजे का ये है, तस्वीर अब भी होती है लेकिन अब मुकम्मल तौर पर लिबरल नहीं होती बल्कि कुछ दर्जे मुहज्जब होती है। यानी इसका कहने का मतलब ये है, आप समझ तो गए होंगे कि जिन मुआशरों में टॉपलेस औरतें फिरती हैं वो मुहज्जब नहीं होती। यही हुआ, मैंने सही समझा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। तो मैंने कहा यार ये एक मुआशरा है जहां पर ये काम होता था। चले जी देखते हैं वो कौन सा मुआशरा ऐसा है। और किसी मुफ्ती से पूछ लेना, कैंसर को राजा बूझे से ना पूछना, ये तो इसको कोई इल्म है ही नहीं, इसको क्या पता इस्लाम का। ये ले ये शेख मोहम्मद यूसुफ साहब क्या बता रहे हैं। In an Islamic system, in traditional Islam in Medina, there were women walking around bare-breasted. And that is a fact, historical fact. And you can read it and look it up in the books. Sidna Umar radiallahu anhu did not allow the imam to wear the hijab. He did not allow them to wear the hijab. So there were uncovered women in Medina. That is a fact, historical fact. Muslims should get out of this obsession with women. So Sheikh Hamza Yusuf saab bata rahe hain. और ये सतर की ये पूरी तस्वीरें जो है इनकी टॉपलेस वगैरह ये सारी बातें, और ये जरा मैं आपको रेफरेंस भी थोड़े से दे दूँ, मैंने खुद ही ऐड की है। द स्लेव गर्ल्स ऑफ उमर वर सर्विंग अस, नरेटेड बाय थ्रू हमाद इब्न सलामा, और ये इसको अल अलबानी ने भी इसको इसको जय्यद कहा, जो हसन और सही के दरमियान की हदीस है। इसमें ये कहते हैं उमर, एक दफा ये लोग इनके घर गए, हजरत उमर के घर गए, तो हजरत उमर के घर गए तो जो उनकी लौंडियां मुबारक थी उनके कवर अनकवर्ड थे, उनका सर ढका हुआ नहीं था। और जब वो आके, वो पुरानी प्रेम चोपड़ा की मूवी नहीं होती थी, वो आती है, वो सफाई कर रही होती है कोई औरत, तो वो नीचे कैमरा बीच में इधर डालते हैं और वो प्रेम चोपड़ा, और वो फिर वो गंदा सीन शुरू कर देते हैं। तो ये हदीस में लिखा हुआ है, वो हदीस में लिखा हुआ है कि हम रसूलुल्लाह के घर में गए तो उनकी लोंडियां हमें सर्व कर रही थी, यानी उसी तरह खाना खूना ला के उन्होंने रखा, तो उनकी जो ब्रेस्ट्स थी, जो उनकी छातियां थी, वो आपस में टकरा रही थी, यानी उनको नजर आ रही है, थाड़ 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 ऐसे ऐसे कर रही, और ये कवर्ड नहीं है। अच्छा, और यही शेख हमजा यूसुफ क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मदीना में, और ये बड़ी एक मशहूर और हदीस भी है जिसमें हजरत उमर ने एक लोंडी की पिटाई की, उसने लोंडी ने हिजाब पहन लिया, हजरत उमर ने पूछा, और वो हजरत उमर की लोंडी भी नहीं थी, हजरत उमर ने पूछा कि तुम आजाद हो गई हो, उसने कहा नहीं उमर, मैं अभी आजाद नहीं, मैं तो अभी भी लौंडी हूं। तो हजरत उमर ने उसकी खूब ठुकाई की और कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम आजाद औरतों वाले कपड़े पहनो। अच्छा जी, एक तो ये रेफरेंस है, अगला रेफरेंस भी देख लें, पेज 3 ऑफ इस्लाम, ये है जी बुक है रिफा इरवा अल गलील वॉल्यूम 6 पेज नंबर 204। और आप अपने इंजीनियर मिर्जा साहब से भी पूछ लें, इसका जो भी साहिब इल्म लोग हैं ना उनसे पूछें कि लोंडी का सतर क्या होता है, तो बताए ना जरा।
शायद कुछ जो है वो थोड़े शर्मा जाते हैं तो वो नहीं मानते, इमाम बेहकी बेहकी सॉरी इमाम बेहक इमाम बेहकी साहब ने ने क्या सुननुल कुबरा में क्या लिखा हुआ, नाफी नाफी ने बताया कि जब भी इब्न उमर, अब ये उमर के बच्चों के बेटे का जिक्र हो रहा है, वांटेड टू बाय अ स्लेव गर्ल, जब भी वो कोई लौंडी को खरीदना चाहता था, और ये मुझे बड़े फखर से बताते ना इस्लाम ने लौंडियां खत्म कर दी, अगली जनरेशन में भी लौंडियां चल रही हैं और मार्केटें लग रही हैं, और कैसी मार्केटें लग रही हैं, तो जब वो जाता है, अरे इमेजिन करो ये प्रेम चोपड़े किस तरह के फिर रहे हैं, स्टोइक पाजी अजीब ही मार्केट क्या समा होता होगा, चलो जी हम मार्केट चलते हैं, नई लौंडी शौंडी पकड़ के लाते हैं, मार्केट में 10 नंगी लड़कियां खड़ी हुई टॉपलेस, वो सतर नीचे वाला कवर था, टॉप का नहीं था, तो ये क्या जी क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जब वो जाते थे, जब वो चेक करते हैं, तो वो अपना हाथ जो है ही वुड इंस्पेक्ट हर बाय एनालाइजिंग हर लेग्स, वो औरत पे बेचारी पे चैने लगी हुई है, उसके उसके खावंद को मारा होगा, क्या जुल्म हुआ होगा, जारी बात है लौंडी को वो उसको घर से उसके उसके कबीले पे कब्जा करके भाई हजरत मोहम्मद वाली हरकतें जो उधर की मारा उनके मर्दों को, और उनको यहाँ पे मार्केट में ला कर लाइन लगा दी, ये पीछे लाइन लगी हुई है 10 औरतों की, तो ये हजरत उमर के बेटे मुबारक क्या करते हैं, पटों को चेक करते हैं, आगे क्या है जी, प्लेसिंग हिज हैंड्स बिटवीन हर ब्रेस्ट ऑन एंड ऑन हर बटॉक्स, उसकी पिठी के ऊपर हाथ लगाते हैं, उसकी छाती को चेक करते हैं, ये आपके महजब तरीन लोग हैं, यार ये हमें ये बताएंगे, ये आपके लीडर्स हैं, ये हमें बताएंगे वो जी वेस्ट में जी और काम है के साथ जॉर्ज फ्लॉयड ने रेसिज्म होती है, तुम्हारी शक्लें हैं, तुम्हारी हरकतें हैं इसके ऊपर बात करने वाली। अच्छा जी अगली एक और रवायत क्या, इब्न उमर यूज्ड टू पुट हिज हैंड बिटवीन हर, ये दूसरी इरवाल गलील बा शेख अल्बानी में ने भी लिखा ये वाला वाक्या कि वो जी मीनिंग द जरिए ब्रेस्ट ऑन हर एंड ऑन हर हॉन्च फ्रॉम अबव क्लोज एंड यूज्ड टू अनवेल हर लेग, और उसकी उसके उस कपड़े के ऊपर से जो टांगे जो कवर होती थी उसमें भी हाथ अंदर डाल दिया करता था। इन एन इस्लाम शेख हमजा यूसुफ का कहते हैं इन इस्लामिक सिस्टम इन मदीना देयर वर वुमेन वॉकिंग अराउंड बेयर ब्रेस्टेड एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट, और जो सबसे बड़ी दलील है वो कुरान की वो वाली जलबाब वाली हदीस है आयत है, वो अब नंबर मुझे बता दें मैं वो भी खोल के दिखा दूं इनको, जिसमें वो अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान वाली औरतों अपनी ये ओढ़नियां कर लो ताकि तुम्हें तुम पहचानी जा सको काफरों से और लौंडियों से, और तुम्हें कोई गाली ना दे सके यानी मोलेस्ट ना कर सके, जिस तरह इब्न उमर कर रहा है मोलेस्ट, क्योंकि लोग समझते थे कि नंगी और फिर ये तो होगी ये तो लौंडी है, आवाजें कसी जाती थी, तो भाई ये तो मेरी मुफ्ती साहब से एक से बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो कहते यार ये तो हमने ऐसी ये जो आजकल का मुआशरा है, क्योंकि लौंडी छोड़ी खत्म हो गई ना, असल तो इस्लाम बड़ा कलरफुल होता था, मदीने में नंगी औरतें भी फिरती थी, मदीने में ईमान वाली औरतें, जारी बात अगर आपकी बीवी है उसको तो आप निकाब में रखेंगे ना, लेकिन आपने मौज मस्ती भी तो कर दी है, तो लौंडी जाके मार्केट से ले है, तो वो तो असल इस्लाम तो बड़ा लिबरल किस्म अमेरिका, ये कैसा लिबरल है कि मर्द के लिए लिबरल है औरत, ये कोई इंसानी, आई वाज वेरी अपसेट बाय दैट कमेंट, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये लोग ये हरकतें करते हैं और ये लोग हमें बताएंगे, ये लोग कैसे इखलाक, इनको पता ही नहीं है मुसलमानों को, इनको वही वो कूड़ा फेंकने वाली आते हैं कहानियां इनको सुनाई हुई है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।